कामायनी। कामायनी, आज से हम जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी का ये रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उनका महाकाव्य कामायनी एक महानाटक भी है। आज के वैज्ञानिक युग में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। विश्व के राष्ट्र एक ओर तो शांति सहयोग की कामना करते हैं, दूसरी ओर संहारक शस्त्रास्त्रों की होड़ लगी है। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि मनुष्य की कथनी और करनी में भेद है, उसके इच्छा ज्ञान और क्रिया के बीच गहरी खाई है। फलतः भौतिक सुख साधनों से संपन्न होकर भी वो आनंद से, शांति और सच्चे सुख से दूर है। जीवन की विषमता की इस पृष्ठभूमि में आइए सुनते हैं विश्व शांति के संदेश वाहक महाकाव्य कामायनी के प्रेरणादायक नाटकीय धारावाहिक को। तो लीजिए प्रस्तुत है कामायनी भाग एक। प्रलय के जल का प्रवाह कम हो गया, किसी प्रकार तुम जीवित बच गए। अपनी नौका को महान वट वृक्ष से बांधकर जल की लहरों से लड़ते हुए हिमालय की इस ऊंची चोटी पर शिला की शीतल छाया में मनुजी महाराज तुम विराजमान तो हो गए, लेकिन तुम्हारे विषाद से भरे नेत्र बता रहे हैं कि तुम्हारे भीतर कितना ताप भरा है। हो भी क्यों नहीं, आखिर तुम भी तो उसी संस्कृति के प्रतिनिधि हो जिसके उच्छृंखल स्वभाव, निर्बाध विलास और अहंकार के कारण ये प्रलय की भयानक स्थिति पैदा हुई। जलो, चिंता की आग में जलते रहो, जलते रहो। कौन कौन है यहाँ, कौन है यहाँ? ये किसकी अभिशाप से भरी आवाज थी? ये चेतावनी थी या चुनौती, या केवल मेरे भीतर का पश्चाताप से भरा हाहाकार ही है? कौन कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो? मैं हूं। कौन कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो? मैं हूं, मेरा नाम चिंता है। हो तो अभिशाप भरा टास तुम्हारा ही था, पर वो तो पुरुष का स्वर था, तुम तो स्त्री हो। मैं स्त्री हूं ना पुरुष, मेरे अनेक रूप हैं। मैं इस संसार रूपी वन में कभी सर्पिणी बनकर घूमती हूं, कभी ज्वालामुखी पर्वत के भयानक विस्फोट का रूप धारण कर ब्रह्मांड को कंपा देती हूं।
मैं अविवेकी पुरुषों के ललाट की क्रूर लिपि हूं। लेकिन लेकिन मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनती। मैं एकदम बहरी हूं। मैं समस्त आदि व्याधियों की सूत्र धारिणी हूं। मैं तीखे विष की एक लहर हूं। मनुष्य के हृदय आकाश में मैं धूम केतु बनकर विचरण करती हूं। मैं प्राणियों के मन में गूढ़तम संपदा बनकर विद्यमान रहती हूं। तुम्हारी बातों से मैं दिग्भ्रमित होता जा रहा हूं। ये क्या रूप है तुम्हारा? और चिंता, चिंता भी क्या विचित्र नाम है। नाम और रूप दोनों में ही मैं विचित्र हूं। मनुष्य चिंता से छुटकारा पाना चाहता है और सदा अपने कर्मों के कारण चिंतित भी रहता है। केवल चिंता ही नहीं, बुद्धि, मनीषा, मति, आशा आदि अनेक नाम हैं मेरे। अरे, अरे सर्पिणी, तू पाप है पाप। जा, चली जा यहां से, जा यहां से, यहां तेरा कोई काम नहीं। सोच, अभी खूब विचार कर, चिंतन कर और अपने हृदय से पूछ, मैं यहां क्यों आई हूं। क्या हुआ, कुछ सोचा विचारा? आखिर तो कितना मनन करवाएगी तू? तो अमर जीवन को जरा ग्रस्त करने वाली है। जरा विचार तो कर, तू कितनी गहरी नींव डाल रही है। क्या निश्चिंत देव जाति का अपकार करने पर तुली है तू? क्या तेरा चिंतन करते करते अमर भी मर जाएगा? देव जाति, अमरता, वाह, क्या खूब। इस मिथ्या अहंकार ने ही उस देव जाति को निरंकुश बनाया जिसके तुम प्रतिनिधि हो। देवत्व का गर्व करने वाले, तनिक बता तो सही, क्या निरंकुशता देवत्व है? क्या मर्यादाहीन विलास देवत्व है? समस्त प्राकृतिक शक्तियों को अपने वश में कर, पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी के जीवों को और स्वयं प्रकृति को भी पद तल के नीचे रौंद डालना, क्या यही देवत्व है? अमरता का मिथ्या दंभ भरने वाले मनु, तनिक पीछे मुड़कर देख अपने अतीत में, उस अतीत में झांक कर तो देख जिसमें विलास वासना में डूबे कलुषित शासन चक्र का अकांड तांडव होता रहा। देख, जरा गौर से देख। वाह, अद्भुत देवांगनाओं का असीम सौंदर्य, उनका मनमोहक तथा उत्तेजक श्रृंगार, अद्भुत, पूर्णतया अद्भुत। उस पर अप्सराओं के नृत्य की कामोद्दीपक नृत्य भंगिमाएं। लाओ सोमरस का चषक। लबालब भर कर दो सोमरस का पात्र, सबको पिलाओ सोमरस के घट उड़ेल दो सब पर, भीतर बाहर से नहला दो सबको सोमरस से। लाओ Thank you.
मणि दीपों की पंक्तियों में और वृद्धि करो, इतनी वृद्धि करो कि चारों दसों दिशाओं में कीर्ति दीप्ति और शोभा ऐसा नृत्य करती जान पड़े मानो चारों सूर्य की सुनहरी किरणें नाच रही हों। वाह वाह, ये नृत्य करती हुई देवांगनाओं के उड़ते हुए अंचलों से कितनी मधुर सुगंध उठ रही है। अंतर तम तक सुगंध से नहा उठा। देवराज, तनिक उधर तो दृष्टि डाली। अप्सराओं के वक्षस्थलों पर उछलते हुए हार मानो कामदेव की विषय की सूचना दे रहे हैं। गीतों के स्वर ताल के साथ कंकण और नुपुरों की झनकार किसी के मधुर मिलन की रागिनी सी जान पड़ती है। महाराज महाराज, मैं क्यों आनंद में विघ्न डाल रहे हो? क्या है महाराज, महाराज की रट क्यों लगा रखी है? कहो, क्या कहना चाहते हो, कहो। महाराज, विश्व के समस्त बल वैभव सुख और आनंद हमने अपने अधीन कर लिए हैं। अब सभी कहीं सुख और केवल सुख है। प्रकृति की संपूर्ण शक्तियों को अपने वश कर लिया है। वे सब शक्तियां हमारे चरणों की दासी हो गई हैं। देव शक्ति के आतंक से संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी है। कहीं किसी प्रकार का कोई अभाव तो नहीं है? प्रजा में से किसी को कोई असंतोष तो नहीं है? अभाव और असंतोष की तो बात ही ना करें देव। यदि कहीं से कोई ऐसा स्वर उभरता भी है तो उसे पूरी शक्ति के साथ दबा दिया जाता है। आनंद में विघ्न हमें स्वीकार ही नहीं। यज्ञ तो सुचारू रूप से संपूर्ण हो रहे हैं, कोई बाधा तो नहीं है? बाधा कैसी देव, जब सब कुछ हमारे अधीन है तब बाधा डालने का साहस किस में है? जहां तक यज्ञों का प्रश्न है, वे सुचारू रूप से संपन्न हो रहे हैं। देव यज्ञ में पूर्णाहुति के समय जब पशुओं की बलि दी जाती है तो उनके चीत्कार से दिशाएं भी कांप उठती हैं। महाराज, थोड़ा इधर से उठकर उधर तो चलें। गीत संगीत नृत्य के नूपुरों की झंकार के बीच आप यज्ञों की सही स्थिति का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। आइए महाराज, देखिए, सुनिए महाराज, सुनिए। अ
हमारे अमरता के चमकीले पुतलो, संभल जाओ, संभल जाओ, तुम्हारे जय घोष अब शेष होने को हैं। बहुत हो चुकी वासना की उपासना, मणिदीपों का ये प्रकाश अंधकार में विलीन होने वाला है। तुम मदांध होकर सब कुछ भूल गए। प्रकृति कभी जीती नहीं जाती, वो सदा ही दुर्जेय है। जिसे तुम प्रकृति की पराजय मानते रहे, वो तुम्हारी ही पराजय थी। रक्षक के स्थान पर तुम तो भक्षक बन बैठे। अपने ये जयगान रास नृत्य बंद करो और देखो अब प्रकृति का महान नृत्य। नूपुरों की झंकार नहीं, अब बिजलियों का क्रंदन सुनो। मृदंगों के नाद नहीं, प्रलय की मेघमालाओं का गर्जन तर्जन सुनो। सीमाओं और मर्यादाओं के उल्लंघन का यही फल होता है। सर्ग के, सृष्टि के अध्याय के अग्रदूत, तुम असफल हुए, विलीन हुए। हम सब मद में भूल भटक गए थे, हम पराजित हुए। विलासिता के नद में तैरते रहे हम, लेकिन देखते ही देखते वो सब डूबे। उनका संपूर्ण वैभव डूब गया। अहंकार में डूबे देवताओं के सुखों पर दुखों के जल निधि का नाद प्रभावी हो रहा है। गया, सभी कुछ गया। मधुरतम सुरबालाओं का श्रृंगार भी गया। नित्य विलासी मधु से पूर्ण अनंत बसंत कहाँ चला गया। कुसुमित कुंजों में वो पुलकित, प्रेमालिंगन हुए विलीन। मौन हुई हैं मूर्छित ताने, और न सुन पड़ती अब बीन। विकल वासना के प्रतिनिधि, वो सब मुरझाए चले गए। आह, जले अपनी ज्वाला से, फिर वो जल में गले गए। गया, सब कुछ गया। कभी जहां देवांगनाओं के मधुर नेत्रों से नील कमलों की सृष्टि होती थी, आज वहां प्रलयकारी भयानक वृष्टि हो रही है। मणियों से रची गई सुगंधित मनोहर मालाएं आज सुरबालाओं के लिए श्रृंखला बन गई। क्यों क्यों मनु महाराज, धसती हुई पृथ्वी, धधकती हुई ज्वाला, कड़कती बिजली से घबरा गए? और तुम्हारी देव जाति का निरंकुश शासन क्या कुछ कम भयावना था? आश्चर्य कि तुम बच गए। कैसे बचे, कैसे पहुंचे यहां तक?
मत कुरेदो उन रिश्ते घावों को, मत कुरेदो। मुझे तो बस इतना ही याद है, एक नाव थी, उसमें न तो डांडे लगती थी न पतवार। प्रलयकारी समुद्र की उत्ताल तरंगों में वो नाव बार बार डूबती और उतराती थी। धुंधला तट कहीं दिखाई नहीं देता था। भाग्य का चंद्र या देवियों का महामत्स्य ने, एक विशाल आकार के मगरमच्छ ने एक ऐसा चपेटा मारा कि ये नाव नष्ट होते होते बची। उसी चपेट ने मेरी नाव को हिमालय की शिला के पास पहुंचा दिया। और अब क्या है? अब तो केवल मौन, नाश, विध्वंस, अंधकार और चारों ओर शून्य ही शून्य है। और वो तुम्हारी अमरता, वो कहां चली गई? बोलो मनु, कुछ तो बोलो, मौन क्यों हो गए? क्या हुई तुम्हारी अमरता? अमरता, अमरता, कैसी अमरता? मैं तो अमरता का जर्जर होता हुआ भीषण अहंकार मात्र हूं। किसी महानाटक के प्रथम अंक का अधम पात्र से संयुक्त विषकुंभक कहो मुझे। अब तो जीवन की मृग मरीचिका में भटक रहा हूं केवल। अमरता तो अतीत की बात हो गई, अब तो विनाश ही सत्य है। अमरता के लिए कहीं स्थान नहीं। भटको, अंधकार में भटको, विनाश के इस महान नृत्य को देखो। अंधकार का ये भयानक अट्टहास, क्या अब यही चिरंतन सत्य है? अतीत को जितना याद करता हूं उतना ही विषाद बढ़ता जाता है। चिंता करता हूं मैं जितनी, उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। उन स्मृतियों से तो विस्मृति अच्छी, उस हर्ष से तो अवसाद अच्छा, उस चेतनता से तो जड़ता अच्छी, अमरता के उस दंभ से तो मृत्यु भली, मृत्यु भली। मृत्यु, हरि चिर निद्रे, कहाँ है तू? ये संताप अब सहा नहीं जाता, तेरी गोद, तेरा आंचल हिमानी से, बर्फ से भी अधिक शीतल है। और मुझे अपने आंचल में समेट ले,
प्रलय का ये महानृत्य मुझसे नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। तू तो इस विषम नृत्य का सम है, विराम है, संतापित जीवन का विश्राम है। अमरता नहीं, तू ही चिरंतन सत्य है। तू सृष्टि के कण कण में छिपी है। ये जीवन तो तेरा, तेरा एक क्षुद्र अंश मात्र है। घनघोर घटाओं के बीच चमकती बिजली के समान है ये क्षणिक जीवन। मुझे ऐसे जीवन की आवश्यकता नहीं। मृत्यु चिर निद्रा आ आ और मुझे अपने आंचल में समेट ले, मुझे अपने आंचल में समेट ले। कामायनी। अभी आप जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक का पहला भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निदेशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, प्रस्तुतकर्ता नवीन, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, ध्वनि अंकन के एन जोशी, निर्माण प्रबंध प्रियंका। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, मनोज शर्मा, केदारनाथ, अशोक मलकानी, रजनीश शर्मा और सुचित्रा गुप्ता।